आपको पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की वो तस्वीरें याद होंगी जहां सांप्रदायिक हिंसा की आग ने बिहार को भी अपनी चपेट में ले लिया था। ठीक वैसे ही एक बार फिर पश्चिम बंगाल सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है और इस बार यहां केंद्र बना है हावड़ा जिले का धूलागढ़ इलाका, जो पिछले कुछ दिनों से धार्मिक हिंसा की भड़की ज्वाला में अपने हाथ जलाने को मजबूर है। धूलागढ़ इलाके के बानीजूपुल गाँव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। दरअसल 12 दिसंबर को एक धार्मिक जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर सुतली बम फेंक दिया था, जिसके बाद दो गुट आपस में भिड़ गए और लोगों ने गांव के कई घरों में हमले किए। 3 दिनों तक लोगों के घरों को लूटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि 13 से लेकर 15 दिसंबर तक इलाके में बमबारी की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब रहे होंगे, जिसके बाद माहौल बिगड़ता देख इलाके में पुलिस, आरएएफ और फायर ब्रिगेड तैनात कर दी गई, जो संयुक्त रूप से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलूस की घटना से पहले ही धूलागढ़ में स्थिति सामान्य नहीं थी। बताया जा रहा है कि यहां एक धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर दिया गया था, इस बात से एक गुट नाराज हो गया। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 12 दिसंबर को जब दूसरे समुदाय का धार्मिक जुलूस निकल रहा था, तभी योजना के तहत इस हरकत को अंजाम दिया गया, जबकि कुछ लोग इसके पीछे उपद्रवियों के होने की बात कर रहे हैं। वहीं मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो काफी हैरान करने वाली बात है। इस पर बीजेपी ने ममता सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। तो मालदा के बाद अब धूलागढ़ सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी है। देखते रहिए डीबी लाइव।